त्यांचा बुलंदाबाद हिंदीवरतील ज्यांचं सुंदर प्रभुत्व आहे आणि ज्यांचा आवाज आपण मोठ्या मोठ्या स्पर्धामध्ये ऐकलेत, ते आमचे सन्माननीय प्रशांत जाधवडे सर इथे उपस्थित होत आहेत. त्यांच्या समवेत आज या मैदानावरती समर्थकांनी संधी प्राप्त होते, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. तर आपण थोडं सरकून घेऊया, दाबून घेऊया, संधी आहे आपल्याकडे. तर एक एक अतिरिक्त खेळाडू पाठवून द्या, सामना दोन संघांमध्ये रंगणार आहे, झुंजणार आहे आणि आजच्या दिवसातील एक अप्रतिम सामना आपल्या समोर येतोय प्रशांत सर. आणि नक्कीच आपण बघितलं तर आजच्या दिवशी या स्पर्धेला सुरुवात झाली. आज या स्पर्धेचा आपण बघितलं तर 24वं वर्ष म्हणजे NCC चषक नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाची मानाची अभिमानाची आणि शानची स्पर्धा म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जात आहे. तमाम क्रीडा रसिकांचं लक्ष लागलंय या स्पर्धेकडे. गोलंदाचं नाव सांगायचं आहे प्लीज, एक अतिरिक्त खेळाडू गोलंदाचं नाव. दोन्ही संघातील कर्णधाराला विनंती करतो की आपला अतिरिक्त खेळाडू इथे पाठवा, कारण ही एक स्पर्धा नाही आहे, ह्याचा क्लास दर्जा खूप मोठा आहे. आणि लक्षात ठेवा, प्रत्येकाचं नाव आमच्यापर्यंत येणं खूप खूप महत्वाचं आहे. पुन्हा एकदा सामन्याला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल तेव्हा आवाज ऐकूया प्रशांत सरांचा. बाहर गेंद शरीर से दूर खेलने की कोशिश बल्लेबाज द्वारा, पड़ गया गेंदबाज, अच्छा स्टार्ट, पहली गेंद सटीक लाइन पर. NCC चषक 2023 का घमासान आप देख रहे हैं नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर. 24वां साल, अब गेंदबाजी में गेंदबाज डीप राइट अप ओवर द विकेट. ऑन साइड पर गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है. काउ कॉर्नर पर एक रन लिया, फंबल अलाउ द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकेंड और 2 रन मुकम्मल. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी, रन संख्या फिलहाल 2 रन. ऊपर पहला बल्लेबाज विकी और वैभव प्रारंभिक बल्लेबाज हैं. फील्डिंग थर्ड मैन पॉइंट कवर, उसके साथ एक खिलाड़ी मिड ऑफ क्षेत्र में मौजूद, मिड डाउन का खिलाड़ी दायरे के अंदर. दोबारा गेंद कौन सेट पर पुर करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है. थ्रो डायरेक्ट हिट हमेशा डेंजर होते हैं लेकिन कोई नुकसान नहीं है, एक रन जरूर मिलेगा. जान हथेली पे लेके बिल्कुल इस वक्त बल्लेबाज विजय भाग रहे थे, एक रन मिला, रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन बगैर किसी नुकसान के. टॉस खरड़ी ने जीता था, पहले फील्डिंग करने का मौका दिया गया है. और दूसरी तरफ से अगर देखें तो गेंदबाज दीप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में. हा नक्कीच प्रशांत सर, आपण पाहिलं तर भाग मिल्का भाग असं काहीतरी पाहायला मिळालं. जीवाच्या आकांताने फलंदाज धावत होता, मात्र आपण बघितलं ती लक्ष्मण रेषा पार करण्यात यश प्राप्त झालं आहे. प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न असतं की मी ज्या क्रिकेटपासून सुरुवात करतो ती क्रिकेट मला कितपर्यंत घेऊन जाईल, त्यासाठी अथक प्रयत्न करणं फार जरूरी. प्रशांत घरत नावाचा ब्रँड आपण बघतोय, नक्कीच याच परिसरातून पुढे आला आणि याच मैदानाने त्याला पुढे आणला, पाहायला हरकत नाही आहे. यावेळी बघा एक धाव पूर्ण केलाय, खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल आणि 2 धावा मात्र कनेक्ट केल्या. प्रत्येक धाव महत्वाची आहे, शालेय जीवनामध्ये प्रत्येक मास महत्वाचा आहे, पॉलिटिक्समध्ये प्रत्येक वोट महत्वाची आहे आणि याच क्रिकेटमध्ये प्रत्येक धाव महत्वाची आहे. बिल्कुल, वो लाइफ लाइन बहुत महत्वपूर्ण रहेगी बल्लेबाजों के लिए. रन संख्या फिलहाल अगर देखे तो रन संख्या 5 रन. ओवर पहला प्रगति, दीप गेंदबाजी कर रहे हैं. थर्ड मैन पॉइंट कवर पर खिलाड़ी मौजूद, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है. अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़ गया, आवाज अच्छी है, भागने की जरूरत नहीं है, गेंद जाएगी बॉडी लेके तरफ 4 रन के लिए. वेलकम बॉडी फॉर द बैटिंग साइड. इसके बारे में चर्चा करते हैं. आगे गेंद थी और बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए गेंद को खेल दिया था. व्हाइट इज लॉन्ग अप बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. कच्चा स्ट्रोक बल्लेबाज वैभव का, वैभव 6 पर पहुंच चुके हैं. रन संख्या फिलहाल 9 रन बगैर किसी नुकसान के. कसराली अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया. ये बेहतर क्रिकेट है मैदान के अंदर, पहले ओवर का खेल और जिसमें बहुत अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच और अच्छी सोच, अच्छा इंटेन. आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 9-9 श्रीराम कसराली. विजय जी क्या कहेंगे जिस तरह से पहले ओवर में 9 रन आए? नक्कीच आपण बघितलं गोलंदाजाला मानावं लागेल, कारण पहिल्या षटकामध्ये ज्या प्रकारची गोलंदाजाला कुठल्याही प्रकारची संधी दिली आहे, संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न जरूर केला परंतु संधीवरती हवी होऊन दिले नाही, चांगली अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी. म्हणून तुम्ही ज्याप्रमाणे क्रिकेटमध्ये टप्पा आणि बाहुबलीमध्ये कटप्पा असणं जरुरी आहे, ज्यावेळी तुम्ही चेंडूला चांगल्या प्रकारे हाताळतायत त्याचवेळी तुम्ही चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करू शकतात. यावेळी बघायचं आहे पुन्हा एकदा आपण बघितलं धावसंख्या षटक क्रमांक 2 खाडीची जे संघ आहे तो प्रथम क्षेत्ररक्षण करतोय. अव्वल दर्जाचं क्रिकेट मात्र प्रशांतजी आपल्याला 4-5 दिवसांमध्ये पाहायला मिळणार आहे या मैदानावरती. अगदी बरोबर, अगदी येणाऱ्या 4-5 दिवसांमध्ये खूप चांगलं क्वालिटी क्रिकेट आपल्याला बघायला, टॉप क्लास क्रिकेट बघायला मिळेल.
पण नक्कीच प्रशांत जी आम्ही तुम्हाला मिस करू, कारण तुम्ही फक्त 2 दिवस आहेत, बिझी शेड्यूल आहे. नक्कीच मिस तर आम्ही तुम्हाला भरपूर करणार होते स्पर्धेमध्ये. नारंगीची स्पर्धा प्रत्येकासाठी मानाची असते, प्रतिष्ठेची असते, स्वाभिमानाची असते, लाख मुलाची असते. इथलं मैदान आणि इथली माणसं खूप वेगळ्या पद्धतीनं प्रत्येक गोष्ट हँडल करतात. मैदानामध्ये या स्पर्धेकरता जोडण्याकरता प्रत्येकजण आतुरलेला असतो चातक पक्षाप्रमाणे. आम्ही मिस करू ही स्पर्धा, कारण अत्यंत महत्त्वाची स्पर्धा आहे, मानाची स्पर्धा आपल्या विरारमधली, पालघर जिल्ह्यामधली. नक्कीच भरपूर प्रेम या गावाने आम्हाला दिले, भरपूर म्हणजे ज्या प्रकारचा आम्हाला आज जो क्लास दर्जा आम्हाला दिला ह्या स्पर्धेनेच आम्हाला आमचं पुढचं भवितव्य दिलं आहे, म्हणून या स्पर्धेला विसरून चालू नाही. 2008 पासून या स्पर्धेला मी जोडलो गेलो प्रशांत सर, कैलास पाटील यांच्या माध्यमातून, आणि त्यापासून सातत्यपूर्ण 2023 पर्यंत मला जोडण्याची संधी प्राप्त करून दिली. त्याबद्दल पुन्हा एकदा नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. बिल्कुल सही गेंदबाज कैटेगरी गेंदबाज राउंड विकेट ऑफ टम के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में चाहते भी खिलाड़ी या तैनात और एक रन लेने का अवसर. इसी सिंगल के साथ रन संख्या फिलहाल स्कोर डबल फिगर में 10 रन श्री राम कसराली. एक महत्वाची गोष्ट विजय या चेडूनंतर पुन्हा एकदा आपण त्या दिशेने जाणार, गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज सज्ज असेल. वैभव टू वैभव स्ट्राइकरेन पर वैभव, गेंदबाजी करने के लिए वैभव कम बॉक्स से गेंदबाजी कर रहे हैं, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, उसके साथ डीप मिड विकेट. काफी ऑफ टाइम के बाहर गिनती चिरचरी करने की कोशिश और व्हाइट बॉल का इशारा हो रहा है. म्हणजे ही स्पर्धा फक्त स्पर्धा नाही आहे, इथे माणसं घडवली जातात. आज तुम्ही उल्लेख केलात की 2008 नंतर निश्चितपणे समालोचक म्हणून मी उभारी घेऊ शकलो, चांगलं काम करू शकलो, जहीरबाईने ते सांगितलेलं आहे. तर फक्त ही स्पर्धा नाही आहे, या स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळाडू घडतात, माणसं घडतात. यावर ऑफटमच्या भारताच्या चेंडू बॅटच्या आतली कड हलकं अपील केलं गेलेलं आहे. क्रिकेटचा रंग मंच आहे, रंगात ते रंगूया या विराटच्या लाल मातीने माणसाला माणूस आणि खेळाडू जोडूया याची चषक 2023च्या साथीने. विजय इथे खेळाडू घडतात, माणसं घडतात, जतन केली गेलेली ही आपण स्पर्धा आहे, जतन केलेलं हे मैदान आहे जे ग्रामस्थांच्या वतीनं आहे. नक्कीच नक्कीच, आणि म्हणून ऑल टाईम फेवरेट राहिले प्रत्येक खेळाडूसाठी, प्रत्येक खेळाडूची जी एक मनापासून इच्छा असते या मैदानावर खेळावं, चांगलं क्रिकेट दाखवावं. ओ हो हो, काय डाईव लावलाय शेवटच्या अंतिम क्षणाला, इज गॉन. आपण बघितलं सुंदर झेल पकडला गेलाय, अप्रतिम लाजबाब प्रदीपनं अप्रतिम झेल पकडलेला आहे. आणि ह्या विकेटवरती आउटफील्ड असा आहे की तुम्ही एक झेपावत झेल घेऊ शकतात. इष्टच्या मागे खूप सुंदर पद्धतीने झेल टिपला गेला प्रदीपकडून आणि फलंदाज बाद होतोय वैभव. वैभव गोलंदाज आहे, त्याला यश मिळत आहे. एक गडी बाद, धावपळका धावा 11. नवीन फलंदाज मैदानावरती येतोय, करण 3 क्रमांकावरती. महेश दादांचे देखील मनापासून आभार, कारण एखादी टीम चालवायची तर कर्णधार महत्त्वाचा असतो, तुमचं कुटुंब चालवायचं तुमचा कुटुंबप्रमुख महत्त्वाचा असतो, एखादी संस्था एखादं मंडळ चालवायचं तर त्या मंडळाचा अध्यक्ष देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. आणि आज महेश दादांनी ती जबाबदारी आपल्या खांद्यावरती घेतली आणि समर्थपणे पेलवलेली आहे. प्रत्येक ठिकाणी आपण बघितलं तर मंडळ असेल, घर असेल, या ठिकाणी जर ह्या सगळे सदस्य असते त्यांची बोटं सारखी नसतात, वेगवेगळ्या प्रकारची ती माणसं असतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार असतात. अशा वेळेला सगळ्यांना घेऊन जायचं हे अवघड आव्हान महेश दादांनी पेलवलं. आणि फक्त मैदानच नाही तर क्रिकेट स्पर्धा देखील या ठिकाणी मोठ्या केल्या आहेत. आणि आज यांच्या चषकाचं फार मोठं नाव पालघर जिल्ह्यामध्ये आहे. नक्कीच सबका साथ सबका विकास असणं फार जरुरी आहे, आणि तीच पाहायला मिळालं, एकीच बळ आणि मिळते फळ असं काहीतरी आपल्याला पाहायला मिळालं या स्पर्धेच्या माध्यमातून. प्रत्येक ग्रामस्थ, प्रत्येक नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ जोडला गेला या स्पर्धेच्या माध्यमातून. यावेळी पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती हो हो सुंदर चेंडू होता, सन्मानजनक स्थितीमध्ये खेळला अतिथी भव, म्हणजे ज्यावेळी आपल्या घरी पाहुणे येतात ना प्रशांत सर, त्यावेळी आपण त्यांचा सन्मान करतो, त्याच पद्धतीचा चेंडू होता आणि सन्मान केला गेला आहे. सन्मान करणं हा आपला भारतीय परंपरेचा एक इतिहास आहे आणि त्याच प्रकारे हा सन्मान केला गेला. अप्रतिम चेंडू, ज्या प्रकारचा चेंडू आताळला गेला, कुठल्याही प्रकारची संधी नव्हती, बघितलं, पाखरलं, निखरलं आणि सिंगलसाठी मात्र कन्वर्ट केलं चेंडूला, चांगली गोलंदाजी. यावेळी बघा क्रॉस लाईन करण्याचा प्रयत्न, चेंडू टप्पा केल्यानंतर विकेट किपरच्या हातामध्ये जात असताना चेंडूने केलंय फिरकी, चेंडू घेतोय गिरकी असं काहीतरी पाहायला मिळालं या चेंडूवरती. पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी. आपण ज्या प्रकारचं विश्लेषण करतोय की 4 षटकामध्ये कमीत कमी 40 धावा या मैदानावरती व्हायला हव्या, परंतु दरतरला थारांनी आधी पण आपण विचार केला पण धावा कमी झाल्या, परंतु यावेळी होतील का? चष्टोक टाइमिंग बन गया, गेंद लॉग ऑन क्षेत्र में जा रही है, खिलाड़ी एक बार फिर वहां मौजूद थे लेकिन खराब फील्डिंग. इससे पहले हम कहते थे कि गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका, अभी कहेंगे फील्डर ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका. लॉन्ग ऑन पर खराब फील्डिंग हुई है,
बाबू खराब फील्डिंग करते हुए एक बार फिर देखे कबर पर हाथ आए हैं। ओवर की बात करें तो दूसरे ओवर का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन और इस ओवर में बिल्कुल एक चौका आया था लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट भी आया है। तो इवन विन ओवर की समाप्ति, विजय एक एक गेंद बहुत महत्वपूर्ण होती है, आपका प्लान एक बार फिर एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरत है। 16 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं और फिलहाल नंबर 3 पर करण एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकी ने एक चौके की मदद से अच्छा आगाज किया है इस मैच में। नक्कीच 16 धावा अपन कसाळी संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, चांगला कडक सामना आजच्या दिवसातील पाहायला मिळेल नो डाऊट्स। कारण हळूहळू प्रेक्षक बघा आपण आपल्या राईट साईडला बसलेले आहेत, आता लेफ्ट साईडला सुद्धा दुपारच्या सत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील कारण आजचा वर्किंग डे आहे आणि वर्किंग डे असताना सुद्धा आपण बघितलं नारंगीचं क्रिकेट पाहणं हे खूप महत्त्वाचं आहे आणि ज्यावेळी संध्याकाळचं सत्र चालू होईल ना प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद पाहायला मिळेल आणि इथे प्रेक्षक बोलवावे लागत नाहीत, कुठली स्पर्धा असेल तर मात्र प्रेक्षक इथे खूप मोठ्या प्रमाणात येतात, ही खासियत आहे या मैदानाशी आणि त्याकरता आपण बघितलं तर छान पद्धतीने बसण्याची व्यवस्था देखील आहे, सावली आहे, झाडांचं झाड आहे, झाडाच्या सावलीकडे त्याचबरोबर नारंगी ग्रामस्थ किंडमाळ्याचं मैदान त्या ठिकाणी आपण पाहू शकता, डगआउट बनवण्यात आलेले आहेत, व्यवस्था खूप चांगली आहे, मागे आपण बघू शकता तिकडे उजव्या बाजूला बघू शकता, तर एक छान बैठक व्यवस्था देखील आहे त्यामुळे प्रेक्षकांची संख्या प्रचंड असते नारंगीच्या मैदानावरती। यावेळेला अपरकट करण्याचा प्रयत्न, टप्पा पडला तर उसळी घेणारा चेंडू आहे, सुरेख कामगिरी करत असताना गोलंदाज तितीच अत्यंत महत्त्वाचं षटक आहे विजय, हे षटक महत्त्वाचं कारण 8 सरासरीनं धावा आल्यात 19, बडीत बाजायला 1 आणि यावेळेला बॅटरना मोठी धावसंख्या उभारण्याची संधी देखील आहे, परंतु चांगलं तंत्र पुन्हा एकदा त्याचा विसर पडता कामा नाही। हा नक्कीच पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती हा चेंडू आपण बघितला भरकटलाय, थोडासा गोलंदाज लक्ष्मीच्या बाहेर चेंडू जातोय, वाईटचा इशारा, एकदा मात्र अवांतरमध्ये वाढली जाते, प्रत्येक धाव महत्त्वाची आहे या छोट्या क्रिकेटसाठी कारण 24 चेंडूचा खेळ आहे आणि 24 चेंडूमध्ये तुम्ही किती धावा करतायत हे पाहणं फार जरूरी आहे, म्हणून क्रिकेटचा खेळ आणि माणसाची वेळ कधी बदलले सांगता येत नाही आहे। सुंदर आयोजन, सुंदर नियोजन असलेली एक देखील स्पर्धा NCC चषक 2023 रणसंग्राम अजून चालू आहे। ओहो खेळण्याचा प्रयत्न होता, बिग हिट मारण्याचा प्रयत्न, मात्र आपण बघितला चेंडूचा आणि बॅटचा काही संबंध नाही आहे, एक धाव मात्र पूर्ण केली गेली आणि एका धावीने धावसंख्या आता मात्र स्लो गतीने वाढली जाते, धावसंख्या आपण बघितली तर स्कोरबोर्डवरती धावा झाल्या त्या म्हणजे 18 धावा। मुझे धीमी रफ्तार के साथ रन बन रहे हैं, इस रफ्तार को थोड़ा सा और तेज करने की जरूरत है और एक्सीलेंट के ऊपर पैर रखने का समय आ गया है। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, इस ओवर की अगली गेंद स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज डटे हुए हैं विकी, जिनकी आंखें जम चुकी हैं। बाहरी किनारा, फाइन लेग पर खिलाड़ी है, ओहो एक रन मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं है, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, गेंदबाज द्वारा सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो प्रेशर बन रहा है बल्लेबाजों के ऊपर। श्रीराम कसले की टीम फिलहाल बल्लेबाजी करती हुई, खरडी टीम ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था, फील्डिंग की जमावट देखिए, थर्ड मैन पॉइंट कवर, उसके साथ एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट और उसके साथ एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है, बैकफुट जाके ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई थ्रो, हो क्या अच्छा लगा, बिल्कुल डायरेक्ट हिट हमेशा डेंजर होते हैं, तो बल्लेबाज विकी की पारी समाप्त होती भी रन आउट के तौर पर बैक टू द पैवेलियन चले गए हैं और विकेट नंबर 2 विजय दूसरे विकेट का पतन हुआ है श्रीराम कसराली के उम्मीद को लगता हुआ यह दूसरा झटका। स्ट्रेटजी आप तो बना रहे हैं लेकिन अमल करने का समय भी आ गया है, नेक्स्ट मैच की कहानी जिसके बारे में चर्चा होगी, अगला मैच यानंतर होणारा सामन्याची अनाउंसमेंट या ठिकाणी केली जाते। विजय आमच्या बरोबर समालोचन कक्षामध्ये आहेत, आपण नियमित म्हणतो की या मॅचमध्ये तुम्हाला 40 धावा करावे लागतील, परंतु तशा प्रकारची स्ट्रॅटर्जी तशा प्रकारची रणनीती बॅटरकडून बघायला मिळते, 2 षटकात 8 सरासरीने धावा 16 आल्या पण त्यानंतर मात्र खूप चांगले गोलंदाजी आणि फुटवर्क, लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स या सगळ्या गोष्टी मैदानामध्ये बघायला मिळतात। आपण जर पाहिलं तर सर प्लॅनिंग खूप जरुरी आहे, प्लॅनिंग करणं फार जरुरी आहे, ज्यावेळी तुमच्या धावा होत नाही त्यावेळी कुठल्या फलंदाजाला पाठवावं कुठल्या फलंदाजाला पाठवू नये ह्या गोष्टी क्रिकेटमध्ये खूप आणि खूप महत्त्वपूर्ण असतात, म्हणून चर्चा होणं फार जरुरी आहे, जर चर्चा झाली ना तर तुम्ही क्रमांक बदलू शकतात फलंदाजांचा, कारण आता थोडंसं दबाव आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाजी करणाऱ्या संघावरती। अगदी बरोबर, या मॅचमध्ये निश्चित चर्चा होणं गरजेचं आहे, त्याचबरोबर तंत्रामध्ये सुधारणा होणं फार गरजेचं आहे। टर्फ विकेटवरती तुम्ही खेळताय, गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज यावेळेला सज्ज आहे, हे षटक अत्यंत महत्त्वाचं, तिसऱ्या षटकाचा खेळ आपण पाहतोय, राईट टाइम ओव्हर द विकेट यावेळेला ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, टप्पा पडत चेंडू खाली राहतोय, सुरेख कामगिरी, लेग बायचा इशारा करत असताना पंच
आणि यानंतर होणारा सामना अत्यंत मात्र कुसमाई खर्डी आणि गणेश वाडीव दोन संघाच्या दरम्यान टॉस केला जातो आहे अगदी थोड्याच वेळामध्ये. आणि आज सकाळच्या सत्रामध्ये बघा एन सी चषकाची उत्सुकता किती होती. अगदी सकाळच्या सत्रामध्ये 9 वाजता इथे सामना खेळण्याकरता खेळाडू सज्ज होते, संघ सज्ज होते, हे चांगले लक्षण आहेत, चांगले संकेत आहेत. हा नक्कीच नक्कीच सर, कारण आपण बघितलं प्रत्येक खेळाडूला इथे संधी हवी आहे आणि त्या संधीसाठी वेळेवर येणं हे पण आपलं एक आदर कर्तव्य आहे. ते मात्र पाळत असताना आपल्याला दोन्ही संघ पाहायला मिळत आहेत. चांगला चेंडू होता, हवेत होता मात्र आपण बघितलं. पण आजच्या दिवसामध्ये सर आपण आजचा आणि उद्याच्या गटामध्ये जर पाहिलं तर एक मॅन ऑफ द सिरीजसाठी 2 सायकली ठेवल्या गेल्या आहेत. तीही चांगली गोष्ट आहे, प्रोत्साहन देण्याची संधी आहे खेळाडूला. इथे एक संधी आहे की आपण एक चांगला प्लॅटफॉर्म तयार करू शकतो आणि मॅन ऑफ द सिरीजपर्यंत सुद्धा पोहोचू शकतो. अगदी बरोबर. या बेला या सामन्यात आता चित्र बघितलं, 3 षटकांचा खेळ, 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावपळकरती धावा आहेत 20 म्हणजे अजून 20 धावांची आवश्यकता जर 40 पर्यंत पोहोचायचं असेल. या खूप सुंदर गोलंदाजी खर्डी संघाकडनं जे गोलंदाजी अप्रतिम झाले, परंतु एक पाऊल पुढे या ठिकाणी विचार करावा लागेल बॅटरना. आणि कमीत कमी जर 20 नाही झालं तर 15 धावांपर्यंत तरी पोहोचणं गरजेचं आहे श्रीराम कसाळी संघाला. आता ते तसं घडतंय की यावेळेला 30 च्या आतमध्ये रोखलं जाईल, कदाचित संकेत तेच वाटतं की 30 च्या आतमध्ये रोखलं जाईल. भविष्यवाणी करणं तितकंसं सोपं नाही आहे. भविष्यवाणी क्रिकेटच्या खेळामध्ये नेहमीच फेल ठरते, कारण हा जर खेळ अनिश्चित खेळ आहे. तरीसुद्धा आत्ता मला वाटतं की 30 आणि 35 हा आकडा आपल्याला बघायला मिळेल. हा नक्कीच नक्कीच, कमीत कमी सर इथून 15 धावा तरी यायला हव्या. ज्या प्रकारचं आत्तापर्यंत स्कोर आहे ते पाहता 15 धावा जर आल्या ना तर एक चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. मात्र धावा जर कमी आल्या तर आपण बघितलं आधीच्या सामन्यामध्ये जे घडलं तेच काहीतरी आपल्याला घडताना पाहायला मिळेल का. मात्र क्रिकेटचा खेळ ज्यामध्ये आपण काही सांगू शकत नाही आहे, ज्योतिषी असू या कुठल्या कायदे पंजेट असू द्या, शेवटचा चेंडूपर्यंत क्रिकेटचं भवितव्य कोणीही सांगू शकत नाही आहे. येणारे चेंडू आहे 6 आणि या 7 चेंडूवरती कशाच प्रकारे फलंदाजी करेल तो म्हणजे कसराळी संघ, हेही फारफार जरुरी आहे. 4th षटकातील पहिला चेंडू, हो शॉर्ट पिच चेंडू होता. पुन्हा एकदा आपण बघितला संधी हुकली गेली, संधी वारंवार होत नाही. चांगला चेंडू होता, खेळण्याचा प्रयत्न केला फलंदाजाला, परंतु बॅकफुटला गेला होता सर तो खेळताना. टप्पा खाने के बाद उछाल है बिल्कुल, 34 स्टेप की तरफ गेंद गिरने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आई और अच्छा उछाल था. बैकफुट खेलने के लिए उतनी जगह नहीं थी. बहुत बढ़िया गेंदबाज ने बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा स्टार्ट किया. गेंदबाज का नाम है प्रकाश प्रसाद, गेंदबाजी कर रहे हैं प्रमुख गेंदबाज के तौर पर. यंग खिलाड़ी को मौका मिल रहा है सत्यसाई खराड़ी टीम के अंदर. बल्लेबाजों की बात करें तो आशुतोष इस 4th ओवर का खेल शुरू होता हुआ. अब अभी गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर, खाली जगह पर, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर, वेलकम सिक्स, मिला मौका और जड़ दिया शानदार छक्का. हा नक्कीच षटकार आलाय. नक्कीच डीजे नाही आहे, कारण आपण बघितलं मागे एक्झाम चालू आहे रुस्तमजीच्या स्कूलमध्ये आणि डीजेला थोडंसं आपण थांबवलंय. परंतु सामन्याकडे आपण बघितलं तर आता मात्र षटकार आलाय सर. हा षटकार येणं खूप जरुरी होतं, कारण ज्या प्रकारचा दबाव होता तो दबाव थोडासा हटला गेलाय. ज्यादा आगे डालने की कोशिश की, एक बार फिर ब्रॉकओवर में जाना चाहते तो वो फुल टॉस गेंद थी. और इसके बाद में अगर देखे तो आपको फुल टॉस मिलेगी तो बल्लेबाज आपको कहाँ छोड़ लिया, करण के बल्ले से एक अच्छा शानदार स्ट्रोक, फ्लैट छक्का लॉन्ग ऑन क्षेत्र में. आशुतोष नॉन स्ट्राइक रेंज पर है, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर प्रकाश गेंदबाजी कर रहे हैं. और विजय ये निर्णायक ओवर मैदान के अंदर चल रहा है. निश्चित सर, इसलिए कहते हैं मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन मुश्किलों से बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है. आपकी कला यहाँ पर आपको पेश करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपकी टीम नहीं जीत सकती, और वो यहाँ पर दिखाते हुए बल्लेबाज. वेलकम सिक्स, छक्का तो आया, उसके बाद में आप कितने बड़े स्ट्रोक आएंगे वो देखना बहुत जरूरी है. क्या प्रकाश कमबैक करेंगे, करण नॉन स्ट्राइक, कॉम्बॉक्स से गेंदबाजी करने के तैयार, राउंड विकेट इस ओवर की अगली गेंद. पकाने के बाद उछाल था, सवाल पूछा गया, बहुत ऊपर गेंद है, पॉइंट क्षेत्र में जाते भी 1 रन लिया, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा विकेट अविनाश को. तो बिल्कुल अच्छा, और रनआउट के तौर पर बल्लेबाज अविनाश बैक टू द पेवेलियन जाएंगे. ये बस दूसरा झटका श्री राम कसाली के उम्मीदों को लगता हुआ. विजय अभी भी इस ओवर की बात करें तो 3 गेंदें इंपॉर्टेंट गेंदें हैं जिसमें आप अगर 2 स्ट्रोक अच्छे खेलते हैं तो मजा आएगा. हाँ निश्चित, अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी है सर, और 28 रन अब तक बन चुके हैं. यहाँ पर देखना होगा आने वाली 3 गेंदें किस तरह खेलते हैं बल्लेबाज. दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इनके लिए भी है उनके लिए भी है, क्योंकि आर या पार की लड़ाई होगी 3 गेंदों में सर, ये भी देखने वाली बात होगी. लॉक ओवर में आप जब गेंदबाजी कर रहे हैं तो एक बार फिर आपके पास वो खासमकाज खिलाड़ी होना चाहिए, खासमकाज गेंदबाज होना चाहिए जो ये ओवर समाप्त करे, अच्छा फिनिश करे. अभी 28 तो बन गए हैं तो 25 स्ट्रोक 35 के पार जाने का मौका मिल सकता है. 40 का आंकड़ा मैजिकल फिगर हो सकता है.
लेकिन गेंदबाज क्या चाह रहे, 35 के अंदर रोकने की कोशिश कर रहे। पहले एक बार पहले प्रयान था इनका 30 के अंदर, लेकिन एक छक्का आने के बाद कहानी में बदलाव हुआ। नहीं बदलाव हो सकता है, लेकिन देखो ये गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, 40 तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा बल्लेबाज, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो है। एक छक्का आने के बाद आपका आत्मविश्वास जब बढ़ जाता है ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। इस बार उठा के गिरा गेंद हवा में, यहां पर देखना होगा खिलाड़ी मौजूद और विकेट का पता रहता हुआ। इसके बाद और एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, ओ यू टू आउट, यहां पर इनिंग खत्म होती हुई यहां पर बल्लेबाज की। करंट बैक टू द पेबल चले गए, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया था, टप्पा खाने के बाद थोड़ा उछाल था, टप ऑफ द बॉल चले गए थे, लेकिन एक बार फिर वो दूरी नहीं थी, ऊपर चले गए गेंद, लॉन्ग ऑन पर कोई गलती नहीं है, कर्ण की पारी समाप्त। अच्छी गेंदबाज है, अच्छा कम बैक, एक बार फिर चौका आया था, एक छक्का आया था, खास करके छक्का आने के बाद कम बैक करने का मौका मिलता था गेंदबाज को। प्रकाश कम बैक कर रहे हैं, दो गेंदों का खेल अभी भी अनाशेष। प्रसाद, ओके प्रसाद गेंदबाज है, अजूनही दोन चेंडूचा खेळ सर बाकी आहे आणि धावसंख्या आपण बघितली तर धावसंख्या झाली ती म्हणजे जवळजवळ 28 धावा आहेत सर, 28 धावा आहेत दोन चेंडूमध्ये, काय एक षटकार चौकार येईल का हेही पाहणं फार जरुरी आहे। बिल्कुल सही काम ने, लेकिन बल्लेबाज अभी भी जो खेलना चाहते क्लासिकल क्रिकेट खेलने की जरूरत है, आखिरी ओवर में तेदनादन बल्लेबाजी करनी है, तो गेंद को रखना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, और टाइमिंग, जब आप टाइमिंग कर रहे हैं तो एक बार फिर आपका प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, बल्ले के बीचों बीच खेलना चाहिए और गेंद को क्लियर करना चाहिए। आप लॉन्ग ऑन को क्लियर नहीं कर पाए, ज्यादा ऊपर चलेगी, दूरी नहीं थी, इसीलिए गेंद बिल्कुल गोदी में चली गई। हाँ नक्कीच नक्कीच, कारण ज्यावेळी तुमच्याकडे क्षमता असायला हवी, आत्मविश्वास असायला हवा आणि त्यानंतर तुमची जिद्द पण असणं जरूरी आहे। तनिष कोटियन सर 6 टक्के आल्यानंतर सुद्धा महाराष्ट्र आणि मुंबईचा संघ बघा 93 धावा, म्हणजे तो खेळ पहा त्या खेळाडूचा जिद्द असावी। यावेळी बघा पुन्हा एकदा आपण नक्की चर्चा करूया, यावेळी बघूया 2 धावा 3 धाव घेण्याचा प्रयत्न होईल का। सर ज्यावेळी आपण बघितलं मुंबईचा संघ थोडासा अडचणीत होता, तनिष कोटियन या खेळाडूला 6 टक्के हातावर आले होते आणि दुसऱ्या वेळी तो फलंदाजीला आला आणि त्यांनी 93 धावा सुद्धा केल्या, म्हणजे किती जिद्द आहे, क्रिकेटवरती असलेलं प्रेम तुमचं किती आहे हे पाहायला मिळतंय। बिलकुल जखमी शेर और एक बार फिर कुकार हो जाता है, तो जखमी शेर ते बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, की रन संख्या टोटल की बात करें तो 30 रन। बाहरी किनारा भाग्य का सहारा, हो पीछे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे लेकिन दूसरा रन नहीं मिलेगा, तो फिलहाल सत्यसाई खरड़ी चाहते तो वही हुआ मैदान के अंदर, रन संख्या कुल मिलाकर 31 जीतने के लिए ये मुकाबला, अब खरड़ी टीम के लिए 32 रनों की जरूरत है। नेक्स्ट मैच का टॉस हो रहा है, मैं विनती कर वाणी टीम के कप्तान और कोसमाई खरड़ी टीम के कप्तान को विनती कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं प्लीज टॉस बॉक्स की तरफ आइए, टॉस हो रहा है, 32 रनों की जरूरत है। पीछे क्या कहना है, जिस तरह से यहाँ बढ़िया तरीके से अच्छा स्ट्रोक आने के बाद प्रसाद ने कमबैक किया और आखिरी ओवर में जाधव को बड़े स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया। हा नक्की सर, ज्यावेळी आपण बघितलं की मी तुम्हाला सांगितलं होतं की कमीत कमी 40 धावा जर झाल्या तर तुमच्या गोलंदाजाला इथे काहीतरी राहील, परंतु आता गोलंदाजांची अग्निपरीक्षा असणार आहे, कारण आता फलंदाजांनी आपलं काम केलं नाही आहे, तर सर्व दबाव हा फक्त आणि फक्त गोलंदाजांवरती असणार आहे। म्हणजे गोलंदाज बघितलं आपण तर अतिशय चांगली गोलंदाजी करावी लागेल, पहिली 2 षटकं खूप महत्त्वपूर्ण असणार आहेत आणि पहिल्या 2 षटकात जर धावा रोखल्या आणि विकेट काढल्या तरच तुम्ही सामन्यामध्ये येऊ शकतात। बिलकुल सही इस वक्त अगर देखे तो बल्लेबाजों के लिए मंत्र रहेगा, क्रिक क्रिक क्रिकेट डोंट थ्रो विकेट, लेकिन गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए आज कसली टीम के लिए एक बार फिर मंत्र रहेगा, आपको रेगुलर इंटरवल में विकेट लेने पड़ेंगे तब जाकर बात बनेगी, और कसली टीम के लिए एक बार फिर यह भी मंत्र रहेगा जिस तरह से ये मुकाबला है आपको अनुशासन के साथ गेंदबाजी करनी है, जो हमारे पास नहीं है वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है, ये सोच के एक बार फिर आपको गेंदबाजी करने की जरूरत है। निश्चित सर निश्चित, इसलिए कहते हैं जो खो गया उसको सोचा नहीं करते, जो मिला है उसको खोया नहीं करते, हासिल उन्हीं को मिलती है कामयाबी जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो आपको रोना नहीं है, यहाँ पर लड़ना है, झगड़ना है, संघर्ष करना है। बिल्कुल रोना नहीं है, और एक बार फिर यहाँ आपका जो कॉन्फिडेंस उसको खोना नहीं है। टॉस हो रहा है, टॉस आपण या ठिकाणी पाहू शकता, अत्यंत महत्त्वाचा असेल गणेश बाडीव आणि कोसमाई या दोन संघादरम्यान, टॉस पाहूया, कोसमाई खरडी टॉस जीत आहे आणि त्यांचा सन्मान या ठिकाणी होत असताना देखील आपण पाहू शकता, दोन्ही संघांचे कर्णधार गणेश बाडीव आणि कोसमाई खरडी, कोसमाई खरडी संघाने टॉस जिंकला, निर्णय काय घेतला आपण, सिक्का उछला कोसमाई खरड़ी के पक्ष में गिरा और इन्होंने कहा कि भाई हम बॉलिंग करेंगे और मौका दिया है गणेश बाड़ी को बल्लेबाजी करने के लिए, तो ये इंटरेस्टिंग मुकाबला है, टोटल छोटा है लेकिन क्या विजय बैटल बड़ा बन जाएगा।
सर वो एक बात की जिक्र करना चाहूँगा, मेरे मन में बहुत सारा ख्याल है, शायद उसका आंसर आप अच्छे से कर पाओगे। अभी हाल फिलहाल जितने भी टूर्नामेंट मैं देख रहा हूँ, वहाँ पर टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग लेने का फैसला ज़्यादा लिया जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ उनका फैसला रहता है कि हम फील्डिंग करेंगे, इसके पीछे क्या है? तुमचा विश्वास तुमच्या गोलंदाजांवरती असला पाहिजे, म्हणजे आपण 90च्या दशकामध्ये बघितलं भारतीय टीम सातत्याने टॉचिंगला बॅटिंग करायची, म्हणजे आपली बॅटिंग जी होती इंडियाची ती खूप स्ट्रॉंग होती, गोलंदाजांवरती तितकासा विश्वास होता। बॅटर चला मैदानावरती कसराळी, तर तुमची स्ट्रॅटर्जी काय? तर बऱ्यापैकी आपण बघितलं इंटरनॅशनल क्रिकेट किंवा आता आपलं टेनिस क्रिकेटमध्ये टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला जातो, तर कमीत कमी धावसंख्येमध्ये रोखायचं आणि मग त्यानंतर कमी रिक्स घ्यायची, समजा आता 31-32 धाबा आहेत, या 40-45 झाले तर जास्त रिक्स झाले, पूर्वंत 32 धाबा झाल्या आहेत तरी ते जाताना मोमेंटम कोणाकडे आहे? मोमेंटम निश्चितच आपण पाहू शकता खार्डी संघाकडे, खूप सुंदर गोलंदाजी केले, तर म्हणून कदाचित असेल आता वेगवेगळ्या आपल्याकडे स्ट्रॅटर्जी असतात, वेगवेगळे प्लॅन असतात, आता ते प्लॅन मैदानाप्रमाणे बदलतात, वेळेप्रमाणे संध्याकाळच्या वेळ असेल तर बदलतात, या सगळ्या स्ट्रॅटर्जी आहेत, पण बऱ्यापैकी 90% टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंगच घेतली जाते। हां नक्कीच, जो प्लॅन तुम्ही सांगितलं की संध्याकाळच्या सत्रामध्ये ज्यावेळी टॉस जिंकतात त्यावेळी फलंदाजी करतात, कारण नक्कीच आपण बघितलं अंधार प्रकाश आणि चांगल्या प्रकाशात बॅटिंग करणं खूप चांगलं असतं आणि त्याचा फायदा पण होतो फलंदाजी करणाऱ्या संघाला। आणि आता बघा टॉस इथे सत्यसाईने जिंकला, फिल्डिंग घेतली, त्याचा फायदा झाला आहे, फक्त 24 चेंडूमध्ये 32 धावांचं आव्हान आता प्रतिस्पर्धी संघासमोर आहे, अत्यंत म्हणजे कसराळी संघ या धावा डिपेंड करणार का हा प्रश्न आहे, खाडी संघासाठी आव्हान सोपं असलं तरी सुद्धा बेसिक गोष्टी वैतरणा विभागामध्ये बेसिक गोष्टीवरती भरपूर चर्चा केली जाते, तुमचं बेसिक चांगलं असेल तर खूप छान पद्धतीनं तुम्ही कामगिरी करू शकता। आता विजय मामा चषकामध्ये सत्यसाई संघानं खूप चांगली कामगिरी केली, त्याचा फायदा देखील त्यांना होईल। हा नक्कीच, कारण ज्यावेळी तुम्ही चांगल्या स्पर्धा खेळतात ना त्यावेळी त्याचा अनुभव तुमच्याकडे नेहमी असतो, पण अपयशी यशाची पहिली पायरी आहे सर, पण वारंवार अपयशाने हे सुद्धा चांगलं नाही आहे, ज्यावेळी तुम्हाला अपयश येते त्यातील त्या तुम्हाला चुका सुधाराव्या लागतील आणि पुढच्या सामन्यामध्ये त्या चुका जास्तीत कमीत कमी कशा करता येतील त्याचा बोध घेणं फार जरुरी आहे। बिल्कुल, गलतियाँ तो सबके साथ होगी, जो मेहनत कर रहा है तो वो गलतियाँ करेगा, लेकिन गलतियों को दोहराना नहीं है, सही कहा आपने। गेंदबाजी में गेंदबाज तैयार है, आदित्य तितिकेश ऑन तितिक्ष ऑन स्ट्राइक और अशोक बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, शॉट अच्छा नहीं था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वैतरणा में आते हैं तो बिल्कुल तकनीक के बारे में चर्चा होती है, अशोक ने क्या जबरदस्त बेकअप की बल्लेबाजी की थी विजय मामा चषक में, प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए आदित्य सटीक लाइन के साथ अच्छी गेंद, मुझे स्टार्ट अच्छा है, पहली गेंद सही ठिकाने में गिरती हुई, बल्लेबाज का एक बार फिर बल्ला आप देखिए तो पूरी तरह से मुड़ गया था, बैकफुट चले गए थे, ऑकवर्ड पोजिशन में आए थे। हां नक्कीच, यावेळी बघा पुढचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू खाली राहिला आहे सर, प्रत्येक चेंडू महत्त्वाचा असणार आहे कारण क्रिकेट खूप छोटा आहे, 24 चेंडूचा खेळ फक्त तुम्हाला करायचा आहे, 24 चेंडूमध्ये सर तुम्ही 5 ते 6 चेंडू डॉट टाकले ना तर सामन्याचं गणित लगेच फिरू शकते, माहोल बन गया आहे, पहिली 2 गेंदे बिंदी गेंदी आई है, शॉर्ट सिलेक्शन बहुत खराब है, तकनीक इतनी अच्छी नहीं है बल्लेबाज की, तो अशोक नॉस्टेकर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, फॉर्म में खिलाड़ी है, अच्छी गेंदबाजी आदित्य द्वारा, ऑनसर पर अच्छा स्ट्रोक, ऑनसर पर गैप पे खेलते हुए टाइमिंग बढ़ गया, सुंदर तरीके से गेंद को एक बार फिर खेल दिया था, तालियां बजाने का मौका मिलेगा, मिड विकेट पर खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी काउ कॉर्नर पर बीच में से एक बार पास लाता उसको चीरती भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए जाते भी, या चष्टुक था 2 खराब शॉट थे उसके बाद में प्रेशर रिलीज एक बार फिर करते बल्लेबाज तितिक्ष। हा नक्कीच सर, आपण बघितलं चांगला फटका मात्र केला, पण तिथे थोडंसं फिल्डिंग सुद्धा आपण बघितली तर मिस केले, अशा प्रकारची फिल्डिंग मिस करून फायदा नाही, कारण तुमच्याकडे बँक बॅलन्स खूप कमी आहे आणि ज्यावेळी बँक बॅलन्स कमी असतं ना त्यावेळी तुम्हाला प्रयत्नाची प्रकाष्ठा करावी लागते आणि नक्कीच बोललं जाते सर ध्येय गाठण्यासाठी प्रयत्नाची प्रकाष्ठा करावी लागते आणि प्रयत्नाची प्रकाष्ठा करत असताना काही लोक तुम्हाला वेडेसुद्धा समजतील, परंतु लक्षात ठेवा वेडे लोक इतिहास रचतात आणि शहाणे लोक तो इतिहास वाचतात। बिल्कुल सही गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार आदित्य, टॉस गेंद सीधे बल्ले से 2 बार मिस किया था लेकिन उसके बाद में सीधे बल्ले से देखिए क्या कमाल का स्ट्रोक, पहले गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ चले गई थी, अभी फिलहाल बॉलर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी अच्छी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मैदान के अंदर तितिक्स द्वारा, 2 चौके इनके बल्ले से, रन संख्या 8 रन, और वो गाना भी बज गया है जैसे कि यहाँ खिलाड़ी थे उनके सर के ऊपर से गेंद चले गई, उड़ी उड़ी जाए गेंद बॉडी के बाहर 4 रन। नक्कीच सुंदर फटका होता सर, अप्रतिम फटका आपण पाहिला स्टेटरच्या रूपाने, मात्र बघितलं चौकार आलाय आणि आता आपण बघितलं तर वेग पकडते धावसंख्या, म्हणजे ज्या प्रकारचं आपण बघितलं मोनो रेल्वे नाही तर आता आपण बघितलं बुलेटच्या पद्धतीने धावा होताना पाहायला मिळत आहेत।
यावेळी पुन्हा एकदा आपण बघितलं लेगच्या दिशेने चेंडू होता, एकदा मात्र हो संधी आहे, संधी होती सर, संधी होती, या संध्या तुम्हाला वारंवार मिळणार नाही आहेत, इथे चुकी होते आणि चुकीला माफी नाही आहे। और आप एक बार नहीं दो बार गलती कर रहे हैं, जैसे कि मिड विकेट पर जो बॉन्डिनर पर खिलाड़ी है, काउ कॉर्नर पर जो खिलाड़ी है, खास करके इनको वो गेंद रोकनी थी, आप वो चौका जाने नहीं देना था। अभी उसके बाद में यहाँ कोशिश एक बार अच्छी की, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं, अभी मौका था। गलतियां होती है, गलती भी होनी चाहिए, जो काम करेगा वो गलतियां करेगा, लेकिन गलतियों को दोहराना नहीं है। और सबसे बड़ी बात विजय, इनके पास बैंक बैलेंस कम है, खर्चा ज्यादा हो रहा है। नक्कीच सर, आता आपण विश्ले जर बघितलं समीकरण पाहिलं तर 19 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता आहे, 19 गेंदे 23 रन की जरूरत, मुकाबले को जीतने के लिए। ओहो फिर से एक बार दिमाग की बत्ती को जला के रखना है, सिंगल जरूर लेना है, यहाँ पर बंबल होते हुए खिलाड़ी, ये दबाव 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 अब सब दिखता हुआ सर यहाँ पर, क्योंकि अब 18 गेंदे और 22 रनों की जरूरत है। ओवर की बात कर तो पहले ओवर का खेल जिसपे 10 रन बनाए दोनों बल्लेबाजों ने, रितिक स्टार्ट करा था, दो बिंदी गिंदी दो चौके, उसके बाद में सिंगल और अशोक के बल्ले से सिंगल, अशोक रखेंगे अपने पास स्ट्राइक, और पहले ओवर में बगैर किसी नुकसान के दर्शन बनाए हैं सत्यसाई का कार्डी ने। आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट, आपण कसाळी संघ एकाच रंगाच्या किटमध्ये आहे, म्हणजे खूप छान, म्हणजे ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे, एकाच रंगामध्ये एकाच प्रकारचं किट परिधान करून हा संघ आहे। त्यामुळे तुम्ही जर टी व्हीवरती बघत असाल, तुम्ही आता ही मॅच डिव्हिन लाईव्हच्या माध्यमातून बघत असाल, तर ते दृश्य खूप चांगलं आहे, हिरवगार मैदान नारंगीचं, या मैदानावरती अशा प्रकारचं देखील कॉम्बिनेशन फार महत्त्वाचं आहे, कसाळी अप्रतिम। हां नक्कीच सर, अभिनय धावसंख्या बघितली तर 23 धावा, अजूनही आपण बघितलं समीकरण तर जो 18 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता आहे, म्हणजे सामना अजून दोन्ही संघाकडे आहे सर, बॅलेन्सिंग आहे, 50-50 बिस्किटसारखा सामना आहे, कभी इधर कभी उधर वाला क्रिकेट आहे। बिलकुल, अर्षद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अशोक, एक फॉर्म पे खिलाड़ी है, सिंहम के साथ क्रिकेट खेल रहे एक रन पर, नितीश के बल्ले से दो चौके, वो खुद खेल रहे 9 पर, रन संख्या 10 रन, बगैर किसी नुकसान के, फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, एक फ्लैंक 3 पॉइंट स्ट्रक पर एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, अनुशासन के साथ गेंदबाजी करेंगे तो बात बनेगी, और उसके साथ अगर देखें तो विजय फील्डिंग में थोड़ा सा और बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए, मैच अभी भी बन सकता है, क्योंकि आपके पास 17 गेंदे हैं और 22 रनों की जरूरत है, ये अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद, कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। नक्कीच, आपण बघितलं तर अजून 17 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता आहे, क्षेत्र कुठलंही असो कष्टाला पर्याय नाही आहे, आणि कष्ट जर प्रामाणिक असतील ना प्रशांत सर, तर यशालाही पर्याय नाही आहे। यावेळी बघा आपणचा चेंडू खूपच खूपच बाहेर, यावेळी आपण बघितलं अतिशय खराब चेंडू, चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर, एक धाव मात्र पूर्ण केली गेली, 17 चेंडू आणि आता 21 धावांची आवश्यकता आहे। बिल्कुल, इस वक्त अगर देखिए तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, एडी चोटी का जोर लगाने की जरूरत है, आप फॉलो किया गया था, छप्पल हुए थे पहले बात अशोक ऑफ स्टंप के बाहर, बिल्कुल छठे स्टंप की तरफ आए थे, तो फॉलो किया गया गेंदबाज, नक्कीच जर आपण बघितलं आता ज्या प्रकारचं खेळ होतोय, अतिशय चांगला खेळ पाहायला मिळतोय क्रिकेटच्या मैदानावरती। हा हा चेंडू पुन्हा एकदा दिशाचे फटके तो मिलेंगे फटके, यावेळी चेंडू पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपच्या बाहेर, प्रशांत सर बिल्कुल काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं, और इसकी वजह क्या है कि बल्लेबाज शफल हो रहे हैं, तो जब आप फॉलो करने के लिए जा रहे हैं तो और वाइड जा रहे हैं, और एक बार फिर देखिए 8वें 9वें स्टंप की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए वाइड बॉल का इशारा हो रहा है। रन तक के फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, हर्षद ऑफ स्टंप के बाहर, फुल लेंथ गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को एक बार फिर ड्राइव किया था, स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया, रन संख्या 13 रन। आज मैं सत्यसाई का खाड़ी का जो खेमा देख रहा हूँ, डगआउट देख रहा, पूरी तरह से प्रफुल्लित है, और देवों के देव महादेव वहां मौजूद है, सबका स्वागत है। नक्कीच नक्कीच, कारण आपण बघितलं तर चांगलं आयोजन, चांगलं नियोजन असलेली स्पर्धा, अतिशय शेवटच्या अंतिम क्षणाला आपण पाहणार आहोत जबरदस्त आयोजन, NCC चषक 2023 महासंग्राम, उघडा डोळे पहा नीट, कारण स्पर्धा आहे सुपर हिट। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑनसाइड पर खेल दिया, खिलाड़ी बॉर्डर पर तैनात है डीप मिड विकेट पर, जब तक कि गेंद को फील करते तब तक एक बार दूसरे के लिए भाग रहे खतरा है, नीतीश खराब सोच, रनआउट के तौर पर बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन जाएंगे, श्रीराम का शरीर को चाहिए विकेट, और सत्यसाई खाड़ी के ऊपर लगता ये पहला चटका, विजय दो की हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम, नीतीश बैक टू द पवेलियन गॉन। नक्कीच, आपण बघितलं दबाव ज्या प्रकारचा आहे दोन्ही संघावरती आहे सांगितल्याप्रमाणे, आणि बघितलं आपण छत्री पावसाला थांबवू शकत नाही, मात्र पावसात उभं राहण्याचं धाडस मात्र नक्की देते, त्याप्रकारे आत्मविश्वास माणसाला जिंकून देऊ शकत नाही, पण लढण्याची प्रेरणा मात्र जरूर देते, लढावं लागेल, संघर्ष करावं लागेल, कारण शिवबा लढला म्हणून महाराष्ट्र घडला, आणि हा सामना जर तुम्हाला जिंकायचा असेल तर तुम्हाला लढावं लागेल, झगडावं लागेल। 15 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत,
नारंदी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ प्रेझेंट एनसीसी चषक 2023 मुकाबला चल रहा है सत्यसाई खांडरी खांडी बनाम श्रीराम कसराली। अभी आप ही को ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, स्ट्राइक रोटेट करते तो भी बात बन जाती। एक बार फिर प्रारंभिक जोड़ी बल्लेबाजी कर रही है, तीक्ष्ण ने जल्दबाजी में एक बार फिर वो दूसरा लेने का प्रयास किया हड़बड़ाहट के साथ और उसका फायदा श्रीराम कसराली को मिला। पीछे ये मुकाबला जीतने के लिए आपको विकेट एक नहीं, आपको विकेट गुच्छे में चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। और सत्यसाई खांडी को यहाँ से साझेदारी बनाने की जरूरत है, थोड़ा संयम के साथ क्रिकेट खेलने की जरूरत है। हाँ नक्कीच नक्कीच, जर तो तुम्ही थांबून जर क्रिकेट खेळला तर नक्कीच तो धाबा होऊ शकतात, परंतु तुम्हाला थोडासा पेशन्स ठेवावा लागेल। श्रद्धा आणि सबुरी, श्रद्धा आणि सबुरी ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत, ज्या बाबांनी आपल्याला दिल्यात, चांगले मंत्र देऊन दिले, त्या मंत्राच्या जोडीला तुम्हाला खेळावं लागेल। थोडं सबुरी ठेवावी लागेल, श्रद्धा पण ठेवावी लागेल सर। बिलकुल, खुद के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत नाही, बल्लेबाज दीप यकीन रखना बहुत जरूरी है, बल्लेबाज दीप के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। और अर्शद को इस ओवर में देखे तो ज्यादा बड़े स्ट्रोक इनके खिलाफ नहीं आए हैं, अच्छी गेंदबाजी की है। राइट आर्म ओवर द विकेट, कम बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। अब आगे गेंद है, लॉन्ग अपर, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट गुच्छे में, दीप आए दीप चले गए, लेकिन सामने से हर्षद उम्मीदों के दीप अपने टीम के लिए जलाते हुए देखिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं। शानदार कैच लॉन्ग अपर लिया गया है और सत्यसाई खांडी के खेमे में सन्नाटा, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक विकेट से एक बार फिर मैच में पलटवार। नक्कीच नक्कीच सर, कारण आपण बघितलं तर ज्या विकेटची आवश्यकता होती ते विकेट मात्र यावेळी मिळत असताना आपण बघितलं तर सामना तेवढा सोपा नाही आहे सर। सामना कभी इधर कभी उधर वाला सामना आहे, दिवस रात्र सुबह शाम वाला सामना आहे, आणि कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा बघत राहा एनसीसी चषक 2023 क्रिकेटचा महासंग्राम। आणि आजचा या स्पर्धेतील पहिला दिवस, अप्रतिम आयोजन, अप्रतिम नियोजन, डोळ्याची पारणं फेडणारी स्पर्धा, एक शानदार खेल मैदान के अंदर आज अर्शद द्वारा नए बल्लेबाज नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल आप देख सकते हैं वैभव को मौका मिला है। मैच बन रहा है, विजय मैच पक रहा है, वो अच्छे संकेत है। नारंगी के मैदान पर रोचक मुकाबले होना ये कोई नई बात नहीं है। हर बार देखिए एक बार फिर इस तरह के मुकाबले हो रहे हैं, मजा आ रहा है। ये एक बार फिर मैच थोड़ा पकता हुआ, शानदार गेंदबाजी, रनआउट और उसके बाद में विकेट, लॉन्ग अप पर शानदार कैच, वैभव नया बल्लेबाज, हर्षद अपने बोरिक मार पर तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, पुल टॉस, गेंद ऑन साइड पर अलग द कारपेट के तेवे, लॉन्ग आउट पर खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, जब तक गेंद को फिर करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया, सिंगल के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ। यह अच्छा बैटल, विजय गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छा जो कि बैटल है, जंग एक बार फिर छिड़े हुए, मजा आ रहा है इस मुकाबले में। निश्चित तौर, क्योंकि ये मैदान इतिहास रचना भी जानता है और इतिहास दोहराना भी जानता है, एक सुनहरा मौका है दोनों टीमों के लिए फिर से एक बार मुकाबले करते हैं। यार 13 गेंद ओवर 17 रन की जरूरत है, किसके लिए खतरा होगा, 17 आने के बाद थोड़ा खतरा बढ़ता है सर, ये भी देखने वाली बात होगी। ओहो, ऊपर से खेलने का प्रयास किया वामे और यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ, सुंदर कैच पकड़ते हुए यहाँ पर खिलाड़ी, कोई मौका नहीं, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत आता हुआ, शानदार खेल, बहुत बढ़िया फील्डिंग, विकेट कीपिंग और एक बार फिर खास करके इससे पहले लॉन्ग अप पर शानदार कैच लिया गया था और विकेट के पीछे जयेश ने अच्छा कैच लपका है। मैच में बिल्कुल पलटवार यही देखने के लिए दर्शक आते हैं। श्रीराम कसराली और सत्यसाई खांडी के बीच अगर देखें तो अच्छा बैटल चल रहा है, अच्छा एक बार फिर संघर्षपूर्ण मुकाबला, टोटल बड़ा नहीं है लेकिन बैटल बड़ा चल रहा है। जीतने के लिए अगर टोटल की बात करें तो 32 रनों की जरूरत है, लेकिन तारीफ करनी होगी हर्षद की, इस ओवर में कमाल कर दिया, एक रनआउट और उनके नाम पर 2 विकेट है, कुल मिलाकर 3 विकेट गिर चुके हैं सत्यसाई खांडी के। मुझे प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य उसे बड़ा करता है और इस ओवर में केवल 5 रन आए हैं। नक्कीच सर, कारण आपण बघितलं ज्या प्रकारचा खेळ होत होता पहिल्या षटकामध्ये सामना कुठेतरी अलग ठिकाणी होता, दुसऱ्या षटकांचा सामन्याचा रंग बदलला गेलाय आणि रंग बेरंग बदलत राहतील, कारण येणारी 2 षटकं खूप आणि खूप महत्त्वपूर्ण असणार आहेत। या 2 षटकांचा खेळ अजूनही बाकी आहे, कुठे जाऊ नका, पाहत राहा क्रिकेटचा रणसंग्राम एनसीसी चषक 2023 हा क्रिकेटचा महोत्सव तुम्हा आम्हा सर्वांसाठी घेऊन आलाय, एक जबरदस्त आयोजन, जबरदस्त नियोजन असलेली एकमेव स्पर्धा नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ आयोजित एनसीसी चषक 2000 ती नारंगी नगरी आपण बघितली तर प्रेक्षकांचा उदंड उदंड प्रतिसाद या स्पर्धेला पाहत असतो मित्रांनो, कारण प्रत्येक खेळाडूचं आणि प्रत्येक प्रेक्षकांचं एक स्वप्न असते की या मैदानावर यावं, खेळावं आणि बघावं। 12 गेंदों का खेल है और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है, सपना तो सबको सबका बड़ा है, एनसीसी चषक 2023 जीतने का सपना है। अगर आपका सपना बड़ा है ना तो मेहनत भी आपको बड़ी करनी पड़ती है और जितनी बड़ी मेहनत उतनी बड़ी कामयाबी,
आज चक्कर बार गए थे 17 रन चाहिए। आकाश में मैं देख रहा हूँ ज़्यादा काले बादल नहीं है, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो मैदान के ऊपर संकट के बादल मंडराते हुए भारत 17 जिसमें कि मैच शुरुआत बहुत ही बढ़िया की थी सत्यसाई खाने ने, लेकिन प्रशंसा करनी चाहिए हर्षद की जिन्होंने 2 विकेट चटकाए और उसी ओवर में 1 रन आउट और केवल 5 रन दिए थे। एक्सीलेंट बॉलिंग, गेंदबाजी में परिवर्तन, 12 गेंदों में 17 चाहिए। भाभी को मौका मिला नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, बल्लेबाजी करे करे प्रसाद, एक तरफ बल्लेबाज की बात करें तो वैभव डटे हुए थर्डमैन में, एक पॉइंट कवर पर खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, राइट हम ओवर दो करेंगे, लेफ्ट हम राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद ऑन साइड पर कड़े कड़े खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है, बल्ले का अनुदीर किनारे लगा, शॉर्टेस्ट कवर क्षेत्र में आई, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया है, 1 रन जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ 11 गेंदे और जीतने के लिए विजय 16 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर वो काट की टक्कर चल रही है। हाँ नक्की सर, आपण बघितलं जबरदस्त सामना पाहायला मिळतो आहे, प्रेक्षकांच्या हृदयामध्ये स्थान निर्माण करणारा सामना म्हणायला हरकत नाही, अप्रतिम आयोजन। यावेळी पुन्हा एकदा चेंडू बघा, बॅकफुटला गेला खेळण्याचा प्रयत्न, इज गॉन, यावेळी पुन्हा एकदा गडी बाद होतोय आणि सातत्याने गडी बाद झाल्यानंतर आपण बघितलं फलंदाजी करणाऱ्या संघावरती दबाव दबाव आणि दबाव फक्त आपल्याला जाणवतोय सर। बिलकुल, इस वक्त प्रेशर बन रहा है, प्रेशर कुकर की सिटी बज रही है और उसकी वजह है आपकी बल्लेबाजी बहुत खराब हो रही है, और दूसरी तरफ से आज शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, आपके पास 10 गेंदे शेष है, 10 गेंदों में जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है, तो जिंदगी का मैदान या क्रिकेट का मैदान जिसमें आपको चैलेंज चाहिए, 32 रन को आप डिपेंड करना चाहते तो चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया आज गेंदबाजों ने, बहुत बढ़िया बेहतरीन खेल मैदान के अंदर। निश्चित तौर पर, क्योंकि कहा जाता है ना सर, मैदान में हरा हुआ इंसान एक बार जीत सकता है लेकिन मन से हरा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता, इसीलिए आपको मन से नहीं हारना है, उम्मीदें यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास आपको बढ़ाना पड़ेगा, मनोबल को बढ़ाओगे तब जाके मैच बनेगी सर। बिल्कुल, मन तो सभी के पास होता है लेकिन मनोबल सबके पास नहीं होता। इस वक्त मैच बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर है, 10 गेंदों का खेल, 16 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए, बल्लेबाजी करने के लिए प्रदीप प्रसाद आए, प्रसाद चले गए हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी होगी वैभव के ऊपर। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज आप देख रहे, प्रदीप गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज, वह भाभी अच्छी गेंदबाजी कर रहे इस ओवर में, 10 गेंदे और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। बढ़िया गेंद, ऑफ टाइम के पावरफुल गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया बल्ले के बीचों बीच तो नहीं है, लॉन्ग अपर खिलाड़ी मौजूद है, सुंदर फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, वैभव ने गेंद को रोक लिया था। 9 गेंदों का खेल, 15 रनों की जरूरत है, क्या मुकाबला चल रहा है और कसम कसम मैदान के अंदर। नक्की सर नक्की, ज्या प्रकारचा आपण ज्यावेळी पहिला ज्यावेळी इनिंग संपली त्यावेळी असं वाटत नव्हतं की एवढ्या टॉप प्रकारचा सामना पाहायला मिळेल, पण ज्या प्रकारची गोलंदाजी आताळली, म्हणजे आपण सांगितलं की गोलंदाजांची आता अग्निपरीक्षा आहे आणि त्या अग्निपरीक्षेमध्ये आता आपण बघितलं खरे उतरत आहेत गोलंदाज। बिलकुल सही काय, बहुत बढिया गेंदबाजी मैदान के अंदर, 9 गेंदों में 15 चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट गेंद है, ऑन साइड पर खेलते हुए डी स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी है, एक बार फिर बहुत तेजी के साथ खतरा है, रनआउट के तौर पर बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन जाते हैं, सत्यसाई खांडी के बल्लेबाज हाराकिरी कर रहे हैं। 8 गेंदों का खेल, जैसे 8 गेंदों में जीतने के लिए अगर देखें तो चाहिए फिलहाल समीकरण की बात करें 14 चाहिए, लेकिन मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कमाल का मैच। मैंने पहले कहा कि विजय टोटल बड़ा नहीं है लेकिन बैटल बड़ा चल रहा है, जो हमारे पास है वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है। बल्लेबाज विकेट के ऊपर खड़े नहीं रह रहे हैं, बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश जब कर रहे हैं तब जाकर एक बार फिर आउट हो रहे हैं, उसके बाद में रनआउट के तौर पर बल्लेबाज आउट हुए हैं, वो सबसे बड़ी परेशानी। शानदार गेंदबाजी इस ओवर में भाविक द्वारा। हाँ नक्कीच सर, आपण बघितलं ज्या प्रकारचा थ्रो सुद्धा त्यांनी केला होता, म्हणजे तो आत्मविश्वास लगेच आपण पाहिलं तर फिल्डरच्या नसानसातून जाणवतो, म्हणजे अप्रतिम थ्रो आणि गडी बाद झाला, दबाव दबाव आणि दबाव आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाजी करणाऱ्या संघावरती। ज्या प्रकारचं क्रिकेट आहे त्याच प्रकारचं क्रिकेट मात्र जर तरला क्रिकेटमध्ये थारा नाही आहे सांगितलं जातं, आणि तसाच खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय मैदानावरती। अच्छा मुकाबला, दोपहर के 17 का एक बहुत ही बेहतरीन मॅच आप देख रहे हैं डिबिन लाइव के माध्यम से। प्रभु गेंदबाज के तौर पर भाविक, नए बल्लेबाज धीरज, प्रदीप एक इंट पर डटे हुए हैं और इंपॉर्टेंट मैच है जिसमें फ्लाइंग थ्री पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, एक लॉन्ग ऑफ ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन काउकॉर्नर के खिलाड़ी, काउकॉर्नर पर खिलाड़ी तैनात, अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लिया, अब एक बार फिर दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 7 गेंदों का खेल, 7 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। ये जो फासला बड़ा है ना उसकी वजह है बल्लेबाज और अच्छी क्वालिटी गेंदबाजी और उसके साथ बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग भी हुई है,
मजा आ रहा है, ये एक रोचक मुकाबला है। नकी नकी सर एकदम जबरदस्त मजा आला, 7 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता, कुठे जाऊ नका, पाहत रहा, बघत रहा, उघडा डोळे पहा नीट, कारण सामना आहे सुपर हिट। सुपर क्या अगली गेंद ऑफ टॉप के बाहर, अभी हम तारीफ कर रहे थे गेंदबाजी बहुत बढ़िया हो रही है, फील्डिंग अच्छी हो रही है, लेकिन ये गेंद काफी ऑफ टॉप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, 7 गेंदे और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है, अभी भी फासला बना हुआ है, एक अच्छा स्ट्रोक विजय मैच में कमबैक करने का मौका बल्लेबाजों को भी मिल सकता है। कद्दू का थोड़ा सा इस्तेमाल जरूर किया था, गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग आउट क्षेत्र में, खिलाड़ी यहां मौजूद है, सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा, करण ने गेंद को रोक लिया था, शानदार गेंदबाजी भाविक द्वारा, अब जाकर 6 गेंदे और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है, पिक्चर सुपर हिट है एनसी चषक 2023 और यंग खिलाड़ी अपना जन्मा दिखा रहे हैं, विजय 6 गेंदे 11 वाला मैच है, दिल की धड़कने बहुत तेज होती भी। हा नक्की सर, कारण पैसा वसूल मुकाबला आहे, आपण बघितलं तर 7 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता आहे, कुठेही जाऊ नका, 7 चेंडू 11 धावा काय, दोन संघामध्ये चालू असलेले एक अप्रतिम सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय, म्हणजे जशात तसं उत्तर दिले जाते, कधी फलंदाजाकडून तर कधी गोलंदाजाकडून, परंतु सामना रंगात येतोय, प्रत्येक आणि प्रत्येक चेंडू खूप महत्त्वपूर्ण असणार आपण या स्पर्धेमध्ये पाहत असलो तर, कारण DBN लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण घरबसल्यासुद्धा पाहतायत, जे आम्हाला पाहतायत ऐकतायत त्यांचं सुद्धा मी मनाच्या अंतकरणातून आभार व्यक्त करतोय सर, कारण त्यांनीसुद्धा वेळ दिला या स्पर्धेला। बिलकुल, दुसरी बात अगर ये मुकाबला टाय हो जाएगा तो सुपर से ऊपर वाला मॅच आ सकता है, मतलब थोड़ा सा बदलाव नियम में, खास करके पालघर में कंपल्सरी चेस का नियम है, लेकिन इस प्रतियोगिता में अगर मुकाबला टाई हुआ तो सुपर ओवर, निर्णायक ओवर, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज धीरज को मौका मिला है, प्रदीप ऑन स्ट्राइक, ऑन साइड पर गेंद को खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक गेंद को फील करते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है, आने वाली एक एक गेंद विजय इवेंट के बराबर हो जाएगी, 5 गेंदों का खेल, 10 रनों की जरूरत है, और ऑप्शन नंबर 2 एक तो एक बार फिर हो सकता है, 9 बनाए या 10 बनाए और मैच समाप्त करें, अगर 9 बनाएंगे तो मैच टाई हो जाएगा, 8 बनाएंगे तो एक बार फिर आप हारने वाले हैं, 10 बनाएंगे तो एक बार फिर बल्लेबाज बल्ले बल्ले करके आने वाले हैं। हाँ सर, आप बोलते हो ना सामने घना अंधेरा है, पार चेर का रास्ता बनाना है, अब रास्ता तो बनाना पड़ेगा सर, क्योंकि अभी मुश्किल है, समय जा रहा है, समय के साथ चलना पड़ेगा। ओहो, लोकल गेंद हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास, गेंद हवा में है, यहाँ पर जब तक खिलाड़ी पहुंचे यहाँ पर 2 रन जरूर मिलते हुए, 2 रनों के साथ थोड़ा सा लक्ष्य नजदीक आता हुआ सर, लेकिन देखना होगा सर, तर यहाँ पर देखिए दबाव 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 बिल्कुल साफ देखने को मिलता हुआ। अच्छा खेल मैदान के अंदर चल रहा है, फिलहाल समी क्रिकेट तरफ आपका दोबारा लेके जाऊंगा, आपके पास गेंद कुल मिलाकर 4 गेंदे, 8 रनों की जरूरत है, वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे, 8 आणि कोणाची लागणार वाट, आणि काय वर्णू मी, एनसीसी चषक 2023 ताट सामना रंगलाय, उत्कंठाशी गेल पोहोचलेली आहे, 4 गेंदों का खेल, 8 रनों की जरूरत है, धीरज गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने बल्लेबाज धीरज, संयम का बांध किसका टूटने वाला है, और अच्छी गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, इंपैक्ट एक बार फिर बताया कि इंपैक्ट क्या लेग स्टंप के बाहर या ऑफ स्टंप के बाहर वो देखा जाएगा, लेकिन ये बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, लेग बैक का इशारा, 3 गेंदे और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है, धीरज गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज प्रदीप, विजय क्या मैच चल रहा है, एक रोचक और दिलचस्प मुकाबला मैदान के अंदर, जबरदस्त जबरदस्त सर, जबरदस्त सामना पाहायला मिळतो, प्रेक्षक टाळ्या वाजवा, काय सामना चालू आहे, अप्रतिम अप्रतिम अप्रतिम, 3 गेंदों का खेल, राइट आर्म ओवर द विकेट, टॉस गेंद ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जा रही है, खिलाड़ी यहां तैनात और इंपॉर्टेंट कैच, प्रदीप बैक टू द पैवेलियन जा रहे हैं, इसका मतलब 2 गेंदे शेष और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है, हमारी सांसें गले में अटकी हुई है, कौन जीतेगा यह मुकाबला, श्रीराम कसराली या सत्य साई खारडी, इस मुकाबले में मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैच किस तरफ जाएगा। नक्कीच सर, नक्कीच येणारे 2 चेंडू खूपच महत्त्वपूर्ण असणार आहे, 2 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता आहे, कभी इधर कभी उधर वाला क्रिकेट, दिन रात वाला क्रिकेट, सुबह शाम वाला क्रिकेट, जैसा चाहिए वैसा क्रिकेट, रोमांचक क्रिकेट, पैसा वसूल मुकाबला इस समय चलता हुआ, आए हुए तमाम दर्शकों का, तमाम खिलाड़ियों का, मैं विजय पाटिल और प्रशांत आदवड़े सर हार्दिक स्वागत करते हैं, किधर भी मत जाइए, आज का दिन का एक खूबसूरत मुकाबला इस समय चलता हुआ, 2 गेंदे और 7 रन की जरूरत है, महिष्ट है बल्लेबाज मैदान के अंदर, और इस ओवर की बात करो तो निर्णायक ओवर का खेल है, नंबर 8 पर महेश है, इसका मतलब 6 विकेट खो चुके हैं आज सत्य साई खारडी, अब जाकर महेश को हीरो बनने का मौका, उसी तरफ से गेंदबाज धीरज को हीरो बनने का मौका, एक तरफ बल्लेबाज नॉन स्टेकर, इनकी तरफ अगर देखें तो बल्लेबाज धीरज 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस, संकट के समय में हर छोटी चीज जो है वह काउंट होने वाली है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, धीरज महेश ऑन स्ट्राइक,
रुक गए हमारी सांसें भी गले में अटकी हुई है कि हाँ मुकाबला चल रहा है। विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2023 का आगाज 1 मार्च को होगा। फॉर्म हमारे पास है, एक बार फिर मैदान के अंदर देखिए तो अपना फॉर्म भी अच्छा एक बार फिर होना चाहिए, बल्लेबाज के तौर पर, गेंदबाज के तौर पर। राइट आर्म होल्ड द विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया, आंसर पर एक बार फिर खेलना चाहते थे। रन आउट के तौर पर क्या विकेट गिरने वाला है? बिल्कुल विकेट गिरने वाला है, तो इसका मतलब है एक गेंद और जीतने के लिए 7 चाहिए, 6 बनेंगे तो मैच सुपर से ऊपर वाला हो जाएगा। अगर 5-4-3-1 या 0 या एक बार विकेट आएगा तो यह मुकाबला श्रीराम कसराली के पास जाएगा। 7 बनाना मुश्किल है, ऑप्शन 2 है विजय, एक तो आप 6 बनाइए या गेंदबाज एक बार फिर 4 भी देते तो कोई परेशान नहीं है, 5 भी देते तो कोई परेशान नहीं है। दूसरी बात, नो बॉल वाइड बॉल ये नहीं आना चाहिए, नहीं तो और एक बार फिर कानिट में पलटवार हो सकता है। मुकाबला अगर टाई हुआ तो सुपर से ऊपर वाला मैच। एनसीसी चषक 2023 में क्या विजय वो सुपर से ऊपर वाला मैच आएगा वो देखना बहुत है। बल्लेबाज की बात करते, बल्लेबाज धीरज एक तरफ, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं मोहित, लेकिन धीरज टू धीरज संयम का बांध बिल्कुल बल्लेबाजों का टूटा है, लेकिन धीरज का इस मुकाबले में एक बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे देखने वाली बात। ओ स्टोक तो बहुत अच्छा है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात श्रीराम कसलारी ने इस मुकाबले में जान डाली है, शानदार तरीके से मुकाबला अपने नाम पर कर दिया। टोटल बड़ा नहीं था लेकिन बैटल बड़ा चला और इस मुकाबले में शानदार तरीके से अच्छा प्रदर्शन किया आज श्रीराम कसलारी टीम ने। फिक्र क्यों करता है, फिक्र से क्या होता है, खुद के ऊपर कर भरोसा, देख फिर क्या होता है। मैदान के अंदर श्रीराम कसलारी ने टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है, लाजवाब प्रदर्शन करते हुए यह मुकाबला अपने नाम पर कर दिया है। श्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, गाना लेते हैं और वापस आएंगे।